हमारा ये ब्रह्मांड अनेक प्रकार के आश्चर्यों से भरा हुआ है। मिलियनों लाइट ईयर तक फैला हमारा ये यूनिवर्स वैज्ञानिकों को हमेशा से ही आकर्षित करता रहा है। वैज्ञानिकों के मन में हमेशा से ये प्रश्न खड़े करता रहा है कि ये यूनिवर्स कहाँ से आया, इस यूनिवर्स में स्टार गैलेक्सी प्लैनेट कहाँ से आए, किस तरह से इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स की गहराइयों तक जाने का सिलसिला शुरू किया। जैसे जैसे वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड की गहराई में पहुंचते गए, उन्हें हर दिन एक नए आश्चर्य से सामना करना पड़ा। ब्रह्मांड की गहराइयों में जाने पर वैज्ञानिकों को अनेक कलरफुल नेबुला का सामना करना पड़ा। ये नेबुला दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षित है। ये इतने आकर्षित और सुंदर है कि कोई भी इन्हें देखे बिना नहीं रह सकता। लेकिन ये नेबुला हमारे इस ब्रह्मांड को बनाने वाली एक कड़ी है। जिस तरह से किसी भी शरीर के निर्माण के लिए कोशिकाएं उसकी बेसिक यूनिट होती हैं, ठीक उसी तरह से हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए नेबुला बेसिक यूनिट है। इन्हीं नेबुलास के कारण हमारे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज का जन्म हुआ। इन्हीं नेबुला के कारण तारों ने जन्म लिया तो वहीं प्लैनेट्स ने भी जन्म लिया। यहाँ तक कि हमारा जन्म भी नेबुला के कारण ही हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर निर्माण तक नेबुला ने ही अपना सबसे अहम रोल निभाया है। वैज्ञानिकों ने जब अंतरिक्ष की गहराइयों में स्थित नेबुलाओं का अध्ययन करना शुरू किया तो पाया कि ये नेबुला हाइड्रोजन हीलियम धूल के बड़े बड़े बादल होते हैं, जिनमें इनके अलावा आयनिककृत गैस यानी प्लाज्मा भरा होता है। इन्हीं सभी पदार्थों के कारण नेबुला में हमेशा नए तारों का निर्माण होता रहता है, साथ ही साथ अनेक नए प्लैनेट्स भी जन्म लेते रहते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में तारों से लेकर गैलेक्सीज और उनमें स्थित मैसिव ऑब्जेक्ट यानी प्लैनेट के निर्माण का जिम्मा नेबुला का होता है। ये हमारे ब्रह्मांड की प्रोडक्शन यूनिट है। ब्रह्मांड में मिले ये अलग अलग नेबुला मनुष्यों को सदियों से आकर्षित करते आए हैं। हमारे ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार नेबुला अपने अंदर इस ब्रह्मांड से संबंधित अनेक जानकारियों को छुपाए रहते हैं। यदि हम इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले तारों और गैलेक्सीज के बारे में अध्ययन करना है तो हमें इन नेबुला की लाइफ साइकिल का अध्ययन करना होगा। बिना नेबुला की लाइफ साइकिल को स्टडी किए बिना हम किसी भी तारे के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आकाश में सबसे तेज चमकने वाला ओरायन नेबुला हमेशा से मनुष्यों के आकर्षण का केंद्र रहा है। शानदार दिखाई देने वाले इस नेबुला में हजारों तारों का आज भी जन्म हो रहा है। साल 2018 से पहले ओरायन नेबुला के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी। हम नहीं जानते थे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन साल 2018 में नासा के वैज्ञानिकों ने ओरायन नेबुला का 3D विजुअलाइजेशन मॉडल तैयार किया। जब इस 3D विजुअलाइजेशन मॉडल को अध्ययन किया गया तो पाया गया कि यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। नेबुला जितना हमें बाहर से सुंदर दिखाई देता है, उससे भी कहीं ज्यादा ये अंदर से सुंदर है। इसकी स्ट्रक्चर काफी आकर्षित करने वाली है। वैज्ञानिकों ने जब इसके 3D विजुअलाइजेशन मॉडल का अध्ययन करना शुरू किया तो पाया कि इसके सेंटर में हजारों तारों का जन्म हो रहा है। यहाँ पर एटम्स आज भी एक दूसरे से टकरा करके नए एलिमेंट्स का निर्माण कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ पर बनने वाले तारों के कारण और यहाँ होने वाली काफी उथल पुथल के कारण यहाँ पर हर समय सोलर विंड चलती रहती है। वैज्ञानिकों ने जब इस 3D विजुअलाइजेशन मॉडल का और ज्यादा गहराई से अध्ययन करना शुरू किया तो पाया कि यहाँ पर गुलाबी चमक बिखेरने वाली गैसों का क्लस्टर मौजूद है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कलरफुल चमक बिखेरने वाला ये क्लस्टर हाइड्रोजन एटम की उपस्थिति के कारण यहाँ पर गुलाबी चमक बिखेर रहा है। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने कहा कि यहाँ पर दिखाई देने वाली हल्की नीली रोशनी यहाँ पर जन्म ले रहे नए तारों की रोशनी है, जो डस्ट पार्टिकल से टकरा करके परावर्तित होकर के नीली रोशनी पैदा कर रही है। इसके अलावा वैज्ञानिक यहाँ पर दिखाई देने वाली ब्लू लाइट का कारण बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पर इंटरस्टेलर डस्ट काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये इंटरस्टेलर डस्ट रॉकी सिलिकेट पार्टिकल्स का भंडार होती है,
और यहाँ लंबे कार्बन श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन यानी कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पार्टिकल्स काफी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जब ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ये एनर्जी चारों दिशाओं में फैल जाती है, जिसके कारण इन नेबुलाओं से निकलने वाली रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के हम तक आती है और हमें नेबुला ब्लू कलर्स के दिखाई देते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं और यही कारण है कि हमारी धरती का आकाश हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, जबकि वास्तविकता में वह ब्लू कलर का नहीं होता है। जब हम इस धरती के आकाश को देखते हैं तो वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसका कारण है कि सूर्य से आने वाली रोशनी में से लगभग हर वेवलेंथ के प्रकाश को वायुमंडल में फैले डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन ये डस्ट पार्टिकल्स ब्लू कलर को अवशोषित नहीं कर पाते हैं और इस कारण हमें हमारा आकाश स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले अधिकतर नेबुला हमें ब्लू कलर्स के दिखाई देते हैं। जब किसी नेबुला में पाए जाने वाले गैस और डस्ट क्लाउड बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं, साथ ही साथ जब वे बहुत ज्यादा डेंस हो जाते हैं तो वो डार्क लाइट एमिट करते हैं, जिसके कारण हमें ये नेबुला काले रंग के दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह का एक नेबुला हमें मिला है जिसे वैज्ञानिक हॉर्स हेड कहते हैं, क्योंकि दूर से देखने पर यह किसी घोड़े के सिर जैसा दिखाई देता है। इस डार्क हॉर्स हेड नेबुला में पाए जाने वाली गैसेस और क्लस्टर इतने ज्यादा डेंस और कंसंट्रेट है कि वे हमारे सूर्य जैसे 30 तारों का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। इस नेबुला की डार्क रोशनी एमिट करने के पीछे वैज्ञानिक कहते हैं कि ये नेबुला हमेशा अल्ट्रा वायलेट रेस प्रोड्यूस करता रहता है और यही कारण है कि मनुष्य की आंखें अल्ट्रा वायलेट रेस को देख नहीं सकती। इस वजह से ये हमें डार्क कलर का दिखाई देता है, लेकिन जब इस नेबुला को अल्ट्रा वायलेट रेस डिटेक्टर से देखा जाता है तो ये अंदर बहुत सारे तारों को जन्म दे रहा है। किसी भी नेबुला से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को देख पाना संभव तो नहीं है, लेकिन उसकी गर्मी से हम जान सकते हैं कि ये नेबुला अल्ट्रा वायलेट रेस प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। जब डार्क हॉर्स हेड नेबुला का अल्ट्रा वायलेट रेस डिटेक्टर से अध्ययन किया जाता है तो वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ पर बहुत सारे तारे जन्म ले रहे हैं और यहाँ पाए जाने वाले क्लस्टर क्लाउड्स का तापमान फ्रिज टेम्परेचर से 100 डिग्री फॉरेनहाइट से भी काफी नीचे है। जब वैज्ञानिक इस डार्क हॉर्स हेड नेबुला के जमाव बिंदु से भी नीचे वाले टेम्परेचर के हिस्से से आगे जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाले स्पॉट भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंसिटी और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर नए तारों का जन्म हो रहा है। यहाँ इकट्ठे क्लस्टर गैस के क्लाउड पावरफुल ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के पास आने लगते हैं, जिसके कारण फिर से ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ने लगती है, जिससे यहाँ इस पॉइंट में और ज्यादा से ज्यादा डस्ट और गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। लगातार बढ़ती ग्रेविटी और पास आते पार्टिकल्स के कारण भी ये पार्टिकल आपस में जुड़ने लगते हैं और तेजी से एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस के लगातार चलने के कारण यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो प्रेशर और टेम्परेचर भी बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगता है, जिसके कारण यहाँ फिर से फिशन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसके शुरू होते ही जन्म होता है एक मैसिव स्टार का। इस तरह से बने करोड़ों अरबों तारों के कारण गैलेक्सीज का निर्माण होता है। यही कारण है कि किसी भी गैलेक्सी के निर्माण से पहले वो एक नेबुला ही रही थी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक तरह का नेबुला ही थी। किस तरह से एक नेबुला ने हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को जन्म दिया, इसे जानने के लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि किस तरह से एक नेबुला के कारण हमारी गैलेक्सी का जन्म हुआ और साथ ही साथ इस ब्रह्मांड में फैले और बहुत सी गैलेक्सीज का जन्म हुआ। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले, जब ना तो टाइम और ना ही स्पेस था, उस समय ब्रह्मांड में फैला ये सारा मटेरियल एक छोटे से एटम की साइज के छोटे पॉइंट पे समाया हुआ था। अचानक इस पॉइंट ने फैलना शुरू किया और देखते ही देखते उसका आकार बहुत बड़ा हो गया और फिर हुआ बिग बैंग। शुरुआती ब्रह्मांड में जब बिग बैंग की घटना हुई तो इसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड प्योर एनर्जी से भर गया। लगभग 300 साल के बाद जब ब्रह्मांड का टेम्परेचर कम हुआ
तो ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भर गया। ब्रह्मांड के शुरुआती पल से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा था। लगातार फैलते ब्रह्मांड के कारण इसका तापमान भी लगातार कम हो रहा था, जिसके कारण हाइड्रोजन और हीलियम जैसे परमाणुओं का निर्माण हो रहा था। इन परमाणुओं के कारण 300 साल के बाद हमारा ये ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम के बड़े बड़े बादलों से भर गया। उस समय ब्रह्मांड एक बहुत बड़े क्लस्टर जैसा दिखाई देता था। हम कह सकते हैं कि उस समय हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा नेबुला था। समय गुजरने के साथ साथ ये प्रिमोर्डियल नेबुला अपने आप में ही कॉलिप्स होने लगा, जिसकी वजह से इसके अंदर भरी गैसेस एक दूसरे के पास आने लगी, जिससे उनके एटम आपस में टकराने लगे। इस टक्कर के कारण यहाँ पर नए नए एलिमेंट्स का जन्म होने लगा और उन एलिमेंट के जन्म के कारण यहाँ का घनत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। लगातार कॉलिप्स होते इन क्लस्टर के कारण हमारा ये ब्रह्मांड एक गोल्ड डिस्क में बदल गया। इसके सेंटर में हाई डेंसिटी के कारण बहुत ज्यादा तापमान पैदा हो गया। इस हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी के कारण इस प्रिमोर्डियल नेबुला के सेंटर में फिशन रिएक्शन शुरू हुई और इस रिएक्शन की वजह से ब्रह्मांड में जन्म हुआ पहले तारे का। शुरुआती ब्रह्मांड में जन्मे इस पहले तारे का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था और इस कारण इसके सेंटर में हेवियर एलिमेंट्स बन रहे थे। कोई भी स्टार नए नए एलिमेंट्स को जन्म देता है। शुरुआती स्टार अपने कोर में स्थित हाइड्रोजन गैस को हीलियम परमाणु में बदल रहे थे। इसके बहुत बड़े आकार के कारण ये स्टार बहुत तेजी के साथ अपने केंद्र की हाइड्रोजन गैस को तेजी से हीलियम परमाणु में बदलने लगे, जिसके कारण इसे अपनी ऊर्जा जरूरतों को बहुत तेजी के साथ पूरा करना पड़ता था। बहुत तेजी के साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के कारण ये स्टार ज्यादा समय तक जीवित नहीं बचे और एक बार फिर से ये अपने अंदर ही कॉलेप्स होने लगे और देखते ही देखते ये स्टार एक बड़े धमाके के साथ फट गए। इसमें हुए इस विस्फोट के कारण एक बार फिर से ब्रह्मांड डस्ट और गैस क्लाउड से भर गया, लेकिन इस समय गैस के क्लाउड्स नए एलिमेंट से भरे हुए थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के स्टार के ब्लास्ट के बाद नए एलिमेंट्स के साथ सेकेंड जनरेशन के स्टार के बनने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हुई। इस तरह से एक बार फिर से तेज इन्फ्लेशन शुरू हुआ और नेक्स्ट जनरेशन स्टार्स के कोर में नए एलिमेंट्स का जन्म होना शुरू हुआ। एक बार फिर से तारे सिकुड़ने लगे और एक बड़े ब्लास्ट के साथ फिर से हट गए। जब ये फटे तो अब ब्रह्मांड में नए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट भर गए, जिसके कारण नई जनरेशन के स्टार के जन्म की प्रोसेस शुरू हुई। हम कह सकते हैं कि लगातार बनते और फटते रहने के कारण ब्रह्मांड में नए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट का जन्म होता रहा। बिग बैंग के 300 मिलियन साल के बाद हमारी गैलेक्सी ने आकार लेना शुरू किया। ये शुरुआती ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा नेबुला थी। इस जॉइंट नेबुला के सेंटर में फिशन रिएक्शन के लगातार चलने के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। हमारा सूर्य थर्ड जनरेशन स्टार कहलाता है। इसका मतलब है कि हमारे सूर्य का जन्म एक नेबुला से बने पहले स्टार और उस स्टार में होने वाले विस्फोट के बाद एक बार फिर से नया नेबुला बना होगा और उस नेबुला में एक बार फिर से नए तारे का निर्माण हुआ होगा। उस तारे में फिर से विस्फोट हुआ होगा और फिर से एक नेबुला बना और उस नेबुला में फिर से एक नए तारे का जन्म हुआ। इस तरह से थर्ड जनरेशन में हमारे सूर्य का जन्म हुआ। लगभग 10 मिलियन साल पहले लगातार चलती नेबुला के बनने बिखरने की इस प्रोसेस के कारण करोड़ों तारों और हमारे सूर्य के चारों तरफ के प्लैनेट्स का जन्म हुआ होगा। लगातार चलती इस वायलेंट प्रोसेस के कारण हर बार नए एलिमेंट्स का जन्म होता है और इसी प्रोसेस के कारण हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स का जन्म हुआ। इन्हीं एलिमेंट्स के कारण लाइफ शुरू हो पाई तो वहीं तारों का भी जन्म हुआ। हमारे ब्रह्मांड में चलने वाले इस वायलेंट प्रोसेस को हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इस सुपरनोवा विस्फोट में एक बड़े तारे में विस्फोट होता है और उसका मटीरियल ब्रह्मांड में हर दिशा में फैल जाता है, जिसके कारण एक नए नेबुला का जन्म होता है जो कि काफी सुंदर होता है। इसी सुपरनोवा विस्फोट के कारण हमारे ब्रह्मांड में क्रेग नेबुला का जन्म हुआ। क्रेग नेबुला के जन्म से पहले ये इस ब्रह्मांड का एक मैसिव स्टार हुआ करता था। इस मैसिव स्टार का मास हमारे सन से 10 गुना ज्यादा था।
इस बहुत बड़े मैसिव स्टार के कोर में घूमने वाले एटम आपस में टकराते और एक नए एलिमेंट को जन्म देते, तो लगातार चलती इस प्रोसेस के कारण इसके कोर में लगातार कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स एलिमेंट बनने लगे और इन्हीं कॉम्प्लेक्स एलिमेंट की बनने की दौड़ में जन्म हुआ आयरन एटम का। आयरन एटम के कारण इस मैसिव स्टार को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए और ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ने लगी, जिसके कारण ये लगातार सिकुड़ने लगा और अपने आप में ही कॉलिप्स हो गया। लगातार सिकुड़ने के कारण एक दिन इस मैसिव स्टार में विस्फोट हो गया और इस विस्फोट के कारण इसके अंदर बने एलिमेंट्स लाइट ईयर्स दूर तक ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल गए, जिसके कारण अनेक प्रकार के केमिकल और कॉम्प्लेक्स एलिमेंट बने। इन्हीं कॉम्प्लेक्स एलिमेंट के कारण ये हमें अलग अलग रोशनी एमिट करता हुआ दिखाई देता है। किसी भी नेबुला से एमिट होने वाली रोशनी को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नेबुला में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। ये ठीक ऐसा ही है जब हम आकाश में दिवाली की रात फायर क्रैकर्स चलाते हैं तो हमें अलग अलग कलर की रोशनी दिखाई देती है, और इस अलग अलग कलर की रोशनी का कारण इन फायर क्रैकर्स में भरे हुए अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के एलिमेंट अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम के बाहरी कोर, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, वे उन पर आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं और अपनी हायर क्लास में चले जाते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इन हाई क्लास में ज्यादा समय तक स्टेबल नहीं हो पाते और इस कारण वो फिर से वापस अपनी उसी कक्षा में लौटने का प्रयास करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस एनर्जी के कारण ही हमें अलग अलग एलिमेंट अलग अलग प्रकार की रोशनी उत्सर्जित करते हुए दिखाई देती हैं। सुपरनोवा रिमेंट नेबुला अलग अलग प्रकार की रोशनी उत्सर्जित करता हुआ दिखाई देता है। नेबुलाओं से उत्सर्जित होने वाली रोशनी हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां देती हैं और ये रोशनी किसी भी नेबुला का फिंगरप्रिंट जैसी ही होती है। जिस तरह से हम फिंगरप्रिंट के पैटर्न को देख करके पता लगा सकते हैं कि ये पैटर्न किस व्यक्ति का है, ठीक उसी तरह से हम नेबुला में एमिट होने वाली रोशनी से पता लगा सकते हैं कि वो कौन से नेबुला है और उनके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स भरे हुए हैं। इन्हीं लाइट पैटर्न के कारण हम किसी नेबुला की फोटो देख कर बता सकते हैं कि कौन सा नेबुला हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ है तो किस नेबुला में हीलियम गैस भरी हुई है। हम बता सकते हैं कि किस नेबुला में सबसे ज्यादा प्लैटिनम है तो कौन से नेबुला का निर्माण बहुत सारी ऑक्सीजन के कारण हुआ है। अभी तक हम इनके लाइट पैटर्न को देख करके ये पता कर लेते थे कि इन नेबुला में किस तरह के एलिमेंट्स भरपूर मात्रा में है, लेकिन हम उनकी निश्चित मात्रा के बारे में पता नहीं कर पाते थे। लेकिन अब नासा के चंद्र एक्स रे टेलीस्कोप की सहायता से ये संभव हो सका है। नासा ने चंद्र एक्सरे टेलीस्कोप की सहायता से कैसियोपाई ए नेबुला का अध्ययन करना शुरू किया तो पाया कि ये काफी मात्रा में अनेक प्रकार के एलिमेंट से भरा हुआ है। नासा ने पाया कि इस नेबुला में हमारी धरती के मास से लगभग 10,000 गुना ज्यादा सल्फर भरी हुई है, तो वहीं हमारी पृथ्वी के मास से 20,000 गुना ज्यादा सिलिकॉन, 70,000 गुना आयरन और 1,00,000 गुना ज्यादा ऑक्सीजन भरी हुई है। जब नासा ने इस नेबुला के केमिकल इंग्रेडिएंट्स की जानकारी दी तो पाया कि यहाँ पर जीवन की शुरुआत के लिए हर प्रकार का एलिमेंट भरपूर मात्रा में है, तो ये माना जा सकता है कि इस नेबुला में किसी मानव के जन्म के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद हैं। तो क्या इस नेबुला में एक नई मानव प्रजाति के जन्म की कहानी रची जा रही है? इस नेबुला में पाए जाने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स किसी भी डीएनए के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो क्या ये माना जा सकता है कि हमारा जन्म कैसे हुआ? इस बात की सारी जानकारी हमें ये नेबुला दे सकता है। वैसे माना तो यही जा रहा है, लेकिन क्या ये हमें इस बात की जानकारी दे पाएगा, ये तो समय पर ही निर्भर करता है। किसी भी नेबुला से निकलने वाली लाइट और उसका स्ट्रक्चर हमें उस नेबुला के बारे में बहुत सारी जानकारियां देता है, जैसे कि वो नेबुला कितने सालों से अस्तित्व में है और आगे कितने सालों तक अस्तित्व में रहने वाला है। तो वहीं उस नेबुला का स्ट्रक्चर हमें ये जानकारी भी देता है कि प्रारंभ में ये कितना बड़ा मैसिव स्टार रहा होगा और एक्सप्लोजन के बाद ये किस तरह से ब्रह्मांड में फैला होगा। अभी तक की जानकारी में हमने देखा कि शुरुआती ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा नेबुला था,
इस नेबुला में लगातार बनते और बिगड़ते तारों के कारण ब्रह्मांड अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्स एलिमेंट से भर गया, और हर बार एक नए नेबुला के साथ विस्फोट होते एक नए तारे के कारण ब्रह्मांड में हर समय नए नए कॉम्प्लेक्स एलिमेंट बनते रहे, और इन्हीं कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के कारण हर बार नए तारे का जन्म होता रहा। इन्हीं नेबुलाओं के कारण बने तारों ने और इन्हीं नेबुलाओं के एलिमेंट्स ने नए नए प्लैनेट सोलर सिस्टम बनाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक नेबुला से किस तरह से हमारा सूर्य बना और किस तरह से हमारे प्लैनेट्स बने। तो अरबों साल पहले जब ना तो सूर्य था, ना ही प्लैनेट थे और ना ही हम थे, तब हमारी मिल्की वे आकाशगंगा एक बहुत बड़ा नेबुला थी। इस समय चारों तरफ दूर दूर तक हाइड्रोजन और हीलियम के बड़े बड़े क्लस्टर एक डिस्क में घूम रहे थे। इन डिस्क में जीवन की संभावनाओं के लिए जरूरी हर प्रकार के एलिमेंट को तैयार किया जा रहा था। हम जानते हैं कि हमारे इस सोलर सिस्टम का निर्माण इसी सोलर नेबुला के कारण हुआ था। लगभग 5 मिलियन सालों के बाद इस सोलर नेबुला के केंद्र में हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के जन्म के बाद अभी भी बहुत सारी गैस और डस्ट अभी भी सूर्य के चारों तरफ एक डिस्क के आकार में घूम रही थी। इसी समय सूरज की बढ़ती ग्रेविटी के कारण ये गैस और डस्ट पास पास आने लगे, और इस कारण ये लगातार डेंस होने लगे और मेट्रोइड्स का निर्माण शुरू हुआ। ये मेट्रोइड्स लगातार डेंस होते हुए एक दूसरे से जुड़ने लगे। साल 2017 में वैज्ञानिकों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचा एक मेट्रोइड्स मिला। इस मेट्रोइड्स की जांच करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये मेट्रोइड्स उस समय का है जब किसी प्रकार के प्लैनेट का निर्माण नहीं हुआ था। इस मेट्रोइड्स की जांच करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि इस मेट्रोइड्स का निर्माण एक स्मोक गन यानी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ आयरन 60 के द्वारा हुआ था। आयरन 60 की उपस्थिति ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हमारे इस सोलर सिस्टम का निर्माण एक सुपरनोवा विस्फोट के कारण ही हुआ था, क्योंकि रेडियो एक्टिव आयरन 60 जैसे एलिमेंट का निर्माण सुपरनोवा विस्फोट की हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई डेंस कंडीशन में ही होता है। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि हमारे सोलर सिस्टम का जन्म किसी सुपरनोवा विस्फोट से नहीं हुआ है। इसका जवाब देते हुए ये थ्योरी कहती है कि जब हमारा सोलर नेबुला बना था, तब हो सकता है कि इसके पास में कोई स्टार ऐसा था जिसमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ हो, और उस सुपरनोवा विस्फोट के कारण निकली शॉक वेव ने हमारे सोलर नेबुला में आयरन 60 को इंजेक्ट कर दिया हो, और इस कारण यहाँ के मेट्रोइड्स में आयरन 60 की उपस्थिति है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सोलर नेबुला में जब पास के किसी सुपरनोवा विस्फोट के कारण पहुंची शॉक वेव ने ही यहाँ पर डस्टर क्लाउड को ज्यादा पास ला दिया और वे एक ही पॉइंट पर डेंस होने लगे। इसके कारण इस पॉइंट पर न्यूक्लियर फिशन जैसी रिएक्शन शुरू हुई और हमारे सन का जन्म हुआ। सूर्य के जन्म के बाद इसकी पावरफुल ग्रेविटी के कारण चारों तरफ घूमने वाली डेंस गैस आपस में जुड़कर के छोटी छोटी बॉल्स बनाने लगी। लगभग 100 मिलियन ईयर्स तक ये प्रोसेस चलती रही। लगातार चलती इस लंबी प्रोसेस के कारण सूरज के चारों तरफ छोटे छोटे बॉल्स लगातार बड़े होने लगे, और इन बड़ी होती बॉल्स ने ही सूर्य के चारों तरफ एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स, प्लैनेट और यहाँ तक की मून भी बनाए। आज जब हम हमारे सोलर सिस्टम को देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर बने अलग अलग प्लैनेट की प्रकृति अलग अलग है। किसी प्लैनेट पर रॉकी सरफेस है तो कोई प्लैनेट जायंट गैस प्लैनेट है, तो वहीं कोई प्लैनेट जायंट आइस प्लैनेट है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये सभी प्लैनेट एक ही सोलर नेबुला से बने हैं। हमारे सोलर सिस्टम के बनने से पहले बने सोलर नेबुला के सभी इंग्रेडिएंट्स के कॉकटेल का कमाल हम है। हमारे शरीर में इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी तत्व अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड के कॉकटेल का ही परिणाम हम जीवित प्राणी यानी मानव, पृथ्वी पर विचरण करने वाले जीव और पृथ्वी को हरा भरा बनाने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, मैदानों में फैले बड़े बड़े वृक्ष और छोटे छोटे पौधे हैं। अधिकतर वैज्ञानिक सोलर नेबुला के बाहर हुए सुपरनोवा विस्फोट वाली थ्योरी से सहमत होते दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जबकि इस प्रोसेस के कारण तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव तत्व होने चाहिए थे। हमारा जन्म कैसे हुआ, इस सवाल का जवाब खोजते हुए वैज्ञानिकों ने
पृथ्वी पर आने वाले सभी प्रकार के मेट्रोइड्स पर अपनी खोज जारी रखी और साल 2017 में वैज्ञानिकों ने एक नए मेट्रोइड्स पर रिसर्च करना शुरू किया तो पाया कि इस मेट्रोइड्स में एक अलग ही प्रकार के रेडियो एक्टिव तत्व के सिग्नेचर है। वैज्ञानिकों को इसमें एल्यूमिनियम के एक आइसोटोप एल्यूमिनियम 26 के अंश मिले। बहुत ही रेयर मिलने वाले इस एल्यूमिनियम आइसोटोप ने तो अभी तक चली आ रही सभी थ्योरी को डिस्ट्रॉयड कर दिया, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व एल्यूमिनियम 26 का निर्माण सुपरनोवा विस्फोट में नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी तक पहुंचे इस मेट्रोइड्स में एल्यूमिनियम 26 रेडियो एक्टिव तत्व आया कहां से? तो यहां पर वैज्ञानिकों का मानना है कि एल्यूमिनियम 26 जैसे रेडियो एक्टिव तत्व गोल्फ रिजॉर्ट स्टार में ही बनते हैं। ये स्टार बहुत ज्यादा चमकदार और हमारे सूर्य से लगभग 40 से 50 गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। ये स्टार सभी पाए जाने वाले स्थानों से बहुत बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और इसी गर्मी के कारण इनमें एल्यूमिनियम 26 जैसे रेयर एल्यूमिनियम आइसोटोप का निर्माण होता है। साथ ही साथ ये स्टार अपने अंदर बनने वाले मटेरियल का बहुत सारा हिस्सा अपने चारों तरफ छोड़ते रहते हैं, जिसके कारण इनके चारों तरफ एक बहुत बड़ा बबल बन जाता है। इसी बबल के कारण ही इसे बबल नेबुला कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी तरह के एक बबल नेबुला का अध्ययन किया जो पृथ्वी से 7000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित था। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस बबल नेबुला के अंदर लगातार फैल रहे मटेरियल में बहुत ज्यादा डेंसिटी और बहुत ज्यादा ग्रेविटी पैदा होने के कारण वे आपस में जुड़ने लगे और बहुत ज्यादा डेंस होने के कारण उनमें फिशन रिएक्शन शुरू हुई। इस रिएक्शन से एक स्टार में एक तारे में बदल गया। जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से दूर बबल नेबुला का अध्ययन किया तो इस प्रोसेस को देखकर उन्होंने संभावना जताई कि हो सकता है कि मिलियनों वर्ष पहले हम भी किसी गोल्फ रिजॉर्ट स्टार के मटेरियल से बने एक बबल नेबुला का हिस्सा रहे हो और उसी बबल नेबुला के कारण लगातार डेंस होते पदार्थों ने हमारे सन और उसके चारों तरफ के सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट एस्टेरॉयड मेट्रोइड्स प्लैनेट और मून का निर्माण किया हो। हम जानते हैं कि नेबुला स्टार्स बनाते हैं तो वहीं ये स्टार एक बड़े विस्फोट के साथ खत्म होकर फिर नेबुला बनाते हैं और ठीक इसी तरह से एक दिन हमारा सूर्य भी खत्म हो जाएगा और एक नए नेबुला का निर्माण करेगा। लेकिन इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी तारे नेबुला नहीं बनाते। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले 99% स्टार बिना नेबुला बने ही खत्म हो जाते हैं तो वहीं 1% स्टार सुपरनोवा विस्फोट के साथ नेबुला बनाते हैं। जब हमारा सूर्य एक लाल जाइंट स्टार में बदलना शुरू होगा तब ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, जिसके कारण ये इसके चारों तरफ की गैस को गर्म करके फैलाने लगेगा। बहुत ज्यादा गर्म होने के साथ साथ ये अपना आकार भी बढ़ाने लगेगा और लगातार इतना बड़ा आकार कर लेगा कि इसकी बाहरी कोर इसकी ग्रेविटी से कंट्रोल में नहीं रह पाएगी। इस कारण इसकी बाहरी सतह ड्रिफ्ट होने लगेगी और इस पर इसकी कोर का बहुत ही कम प्रभाव रह जाएगा, जिसके कारण इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर सेल बहुत ही सुंदर कलर का एक नेबुला बनने लगेगा, जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। वैज्ञानिकों ने हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज में अभी तक लगभग 3000 प्लैनेटरी नेबुला की खोज कर ली है। ये सभी अलग अलग आकार के होते हैं, लेकिन अधिकतर नेबुला साबुन में बनने वाले झाग की तरह आकार के होते हैं। इन प्लैनेटरी नेबुला में से सिर्फ 20% नेबुला ही एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल गोले की शेप में होते हैं। इस कारण ये सवाल उठता है कि जब हमारा ये तारा अपनी अंतिम यात्रा पर होगा तब ये किस आकार का नेबुला बनाएगा? तो जब हमारा तारा खत्म होने लगेगा तब ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा और एक रेड जाइंट स्टार में बदल जाएगा। ये ठीक ऐसा ही होगा जैसे अभी हमें सूर्योदय के समय येलो कलर का एक छोटा सा सन दिखाई देता है। ठीक इसी तरह जब ये जाइंट रेड स्टार बन जाएगा तब एक बहुत बड़े आकार का लाल कलर का सूर्य उदय होगा, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और पृथ्वी पर लगभग हर चीज जलकर के राख हो जाएगी और पृथ्वी भी वीनस ग्रह की तरह गर्म हो जाएगी। लगातार बड़ा होता हमारा ये तारा सबसे पहले इसके पास वाले ग्रह मरकरी को निगल जाएगा, इसके बाद ये वीनस ग्रह को निगल जाएगा और इस समय तक हमारी पृथ्वी पर लावा की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगेंगी। तो लगातार बड़ा होता हमारा ये तारा
एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी को ही निगल जाएगा। लगातार बड़ा होता ये सन इसके मास का आधे से ज्यादा हिस्सा अंतरिक्ष में छोड़ चुका होगा और कुछ साल के अंदर इसके सेंटर में पृथ्वी के आकार का एक चमकदार व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा जो बहुत ही ज्यादा डेंस और बहुत ही ज्यादा गर्म होगा। इस व्हाइट ड्वार्फ से लगातार एक्सरेज निकलने लगेगी और इन एक्सरेज के कारण इस व्हाइट ड्वार्फ के चारों तरफ बनी गैस की परत चमकने लगेगी। ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार लगभग 10,000 सालों तक रोशनी देता रहेगा। जब हमारा सन अपनी अंतिम यात्रा पर होगा तब ये रेड जायंट से बदलकर व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा और इसके कारण ये पूरे सौर मंडल को खत्म कर देगा। भले ही एक सौर मंडल के खात्मे की प्रोसेस हो लेकिन इस खात्मे के प्रोसेस के बाद ही एक नई जिंदगी फिर से शुरू होने लगेगी। इसके बाद एक बार फिर से नेक्स्ट जनरेशन के स्टार के जन्म की प्रोसेस शुरू होगी और उसके चारों तरफ एक बार फिर से अनेक प्रकार के ऑब्जेक्ट बनने शुरू होंगे। इस समय बनने वाला स्टार 4th generation स्टार होगा और एक बार फिर से यही बात सिद्ध होती है कि विनाश से ही विकास होता है। विनाश से पहले नई शुरुआत नहीं की जा सकती, इसलिए सन का व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदलना एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी होगा।